ये भी मैं गई थी देवघर, जब वीडियो देख चुके हैं वहाँ से लेके आई हूँ। ये मुझे काफ़ी दिन से बहुत मन था रखने का, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो फाइनली पेशू का काऊ मिल गया है। तभी वो काऊ काऊ करके ही खेलता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनवेस्टेशन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारा वीडियो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अभी हम आ गए हैं पुणे। पुणे आने के बाद ऐसी क्लीनिंग चल रही थी और थोड़ी बहुत घर की सफाई, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत काफ़ी दिन से घर की थी तो गंदगी बहुत हो गई थी, डस्ट वेस्ट, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसकी वजह से। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। और आज गुरुवार, ये पूजा हो गया है यहाँ पे। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान का पूजा होता है, तो सबको आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही बहुत बड़ी बड़ी भक्त हूँ गुरुवार बृहस्पति भगवान की। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो ही चुका है, लेकिन आज हम क्या क्या करते हैं और कहाँ तक आज का काम होता है, थोड़ा टफ हो गया है, लेकिन कोई नहीं, दो दिन में थोड़ा तो आसान हो गया है। लेकिन आज मीन्स जो आप देखेंगे ये बताना क्या है। तो हमारी पूजा हो गई है और हम ना थोड़ा सा अपना घर भी सेटअप किए हैं। जैसे कि आपको पता है भगवान जी उस रूम में थे, तो एक दिन मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि अभी कहाँ हम लग आ गए भगवान जी को। तो ये टीवी यहाँ पर है, हॉल में फिर से सेट हो गया है, जैसे कि बहुत पहले हुआ करता था कृष्ण जब छोटे थे। तो यहाँ से भगवान जी से फ्रेंडशिप हो गई थी उनकी और भगवान के साथ खेलने लगे थे, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मीन्स ऊपर उठा के रखना पड़ा था। तो अभी तो सब चीज़ सेटल हो गया है, तब मैं एक बार और दर्शन करा दूँ भगवान जी से। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सैंडविच, क्योंकि कृषु वो खा लेता है, उनको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं फ्राई पैन ली हूँ, फ्राई पैन हीट हो गया है, फिर उस पर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिली। चॉप्ड इसलिए है क्योंकि उसको चुन के निकाला जा सके। फिर इसमें मैं चॉप्ड अनियन डालूँगी और उसे ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो चलो हम बना लेते हैं। अनियन कृषु को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में अनियन लिया है और आलू कम, क्योंकि अनियन का मिठास जो होता है वो इनको बहुत पसंद आता है। तो इसे हम ब्राउनी होने तक अच्छे से भून लेते हैं। देखो हमारा जो अनियन है वो ब्राउन हो गया। अब उसमें हम डाल देते हैं मूंगफली, मूंगफली रोस्टेड मूंगफली है। तो पहले मूंगफली को मैं भून के उसे साफ़ कर ली हूँ अच्छे से, फिर थोड़ा सा तरह तरह कूट ली थी ताकि वो जब हम सैंडविच बनाएं तो वो निकला ना हो। फिर मैंने जस्ट दो आलू ही बॉयल किया है, क्योंकि दो को ही खाना है कृषु के डैडी को और कृषु को, क्योंकि मेरा फास्ट है आज, सो गुरुवार का, सो मैं बहुत थोड़ा ही बना रही हूँ। तो ये हमारा मसाला बनके बिल्कुल क्विक वाली तैयार है। और ब्राउन ब्रेड मैं ले ली हूँ और एक बाउल में ऐसे प्लेन वाटर है, तो ऐसे हल्का गीला करना है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बनाना है तो उनको सॉफ्ट भी लगना चाहिए। फिर हम इसे दो भाग में कट कर लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल ऐसे सैंडविच तरह, मतलब बच्चे को अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ डिजाइन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सिंपल बना ही रही हूँ। तो इसमें मैं ये जो हमारा आलू का बना हुआ, तो उसे मैं ऐसे उस पानी लगाने से ना चिपक जाता है, इसलिए मैं पानी से और ब्रेड को जस्ट ऐसे लगा दी। फिर मैं लगा ले ली हूँ तवा, तवा को मैं कर लेती हूँ थोड़ी हीट, और मैं बहुत ज़्यादा घी या ऑयल या बटर कुछ नहीं डालने वाली हूँ, हल्का हल्का केवल टच करूँगी ब्रेड के ऊपर। और हमारा चार ब्रेड बन के तैयार हो गया है सैंडविच के लिए। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही घी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा घी भी सही नहीं रहता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा घी लेके मैं उसको अच्छे से जो तवा गरम की हूँ उस पर सेक लेती हूँ। तो चलो ये हमारा तवा बिल्कुल गरम हो चुका है और थोड़ी थोड़ी घी के साथ हम इसे अच्छे से तवे पे रख लेते हैं। ये देखिए, अब इसे हम अपने स्पैचुला के हेल्प से उसे पलट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाने वाली क्विक वाली सैंडविच है और खाने में क्रिस्पी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखते हैं कृषो खाते हैं या क्या करते हैं। तो चलो पहले हम इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो
पलट के ऊपर नीचे सैंडविच मेकर में ही बना सकते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा सा मुझे ऐसे बर्तन ज़्यादा नहीं लगते हैं तो फटाफट बन जाते हैं। ये देखो हमारा चा क्रिस्पी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई सैंडविच। तो अभी हम सर्व करते हैं क्रिशु को, और थोड़ा सा डिज़ाइन बना दो तो कुछ ज़्यादा ही खास हो जाता है। तो मैं बोली कि आप खिला दो क्रिशु को फिर, क्योंकि मुझे नहीं खाना है ना, तो दोनों मिलके खा रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दो, नहीं होता सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।